हेलो दोस्तों, आज हम आपको ठग बहराम के सीरियल किलिंग के बारे में बताएंगे। ठग बहराम जिस रास्ते से वो गुजरता था वहाँ कोसों दूर इंसान तो क्या, इंसानों की छाप तक मिलनी बंद हो जाती थी। जहाँ जहाँ भी वो जाता लोग इलाका खाली कर उसकी बहुत से दूर निकल जाते। जानते हैं क्यों? इंसान के भेष में वो था एक खूंखार जानवर। पैसे के लिए वो लोगों को अपना निशाना बनाता था और उसका हथियार होता था रुमाल। जी हाँ, एक पीला रुमाल। वो रुमाल से देता था अपने शिकार को मौत, क्योंकि खून से लगता था दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर को डर। एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, पूरे 931 लोगों को उतारा था उसने अपने पीले रुमाल से मौत के घाट। व्यापारी काफिला और पीला रुमाल, ये दास्तां एक ऐसे ठग की जिसे दुनिया का आज तक का सबसे क्रूर सीरियल किलर का खिताब हासिल है। बहराम नाम का वो ठग असल में था बहराम ठग। भोले भोले व्यापारियों के काफिले को अपना निशाना बनाता था वो ठग। बहराम ठग का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते से चलना बंद कर दिया था। बहराम ठग को समझने के लिए हमें उसी युग 1765 और 1840 में चलना होगा जिसमें वो रहता था। 18वीं सदी खत्म होने को थी, मुगल साम्राज्य खत्म हो चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ें जमा ली थी। ब्रिटिश पुलिस देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी थी। लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते में पड़ने वाले थाने में कोई दिन ऐसा गुजरता था जब कोई पीड़ित आदमी अपने किसी करीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ना कराने आता हो। अंग्रेज अफसर परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गायब हो रहे थे। कराची, लाहौर, मंदसौर, मारवाड़, काठियावाड़, मुर्शिदाबाद के व्यापारी बड़ी तादाद में रहस्यमय परिस्थितियों में अपने पूरे की पूरे काफिलों के साथ गायब थे। तिजारत करने जाते इन व्यापारियों के मुनीम और कारिंदे भी रास्ते से गायब हो जाते। लखनऊ की खूबसूरत तवायफ हो, या फिर डोली में बैठकर ससुराल जाती नई नवेली दुल्हनिया हो, या फिर बंगाल से इलाहाबाद और बनारस की तीर्थ यात्रा पर आने वाले दल, सभी रास्ते से गायब हो रहे थे। छुट्टी से घर लौट रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोली भी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट रही थी। उनका भी कहीं कोई आता पता नहीं था। पुलिस की फाइलें लगातार गायब हो रहे लोगों की शिकायतों से बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेज अफसर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आलम यह हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कंपनी बहादुर का कोई भी सिपाही या सैनिक इक्का दुक्का यात्रा नहीं करेगा। यात्रा करते वक्त सभी सैनिक बड़े झुंड में चले और अपने साथ ज्यादा नकदी ना लेकर चले। व्यापारी हो या फिर तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु या फिर चार धाम की यात्रा करने जा रहे परिवार, सभी निकलते तो अपने अपने घरों से, लेकिन ना जाने कहां गायब हो जाते। ये एक रहस्य ही था। काफिले में चलने वाले लोगों को जमीन खा जाती है या आसमां निगल जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि पुलिस को इन लगातार गायब हो रहे लोगों की लाश तक नहीं मिलती थी। लाश मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ सकती थी। आखिर कैसे गायब हो रही थी लाशें? सन 1809 में इंग्लैंड से भारत आने वाले अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम स्लिमेन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। थोड़े ही दिनों में कैप्टन स्लिमेन को पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। इन लोगों को गायब करने वाला था ठगों का एक गिरोह, एक ऐसा गिरोह जो करता था लूटपाट के लिए हत्या। इस गिरोह में करीब 200 सदस्य थे। इस गिरोह का मुखिया था बहराम ठग नाम का एक क्रूर इंसान, जो हाईवे और जंगलों पर अपने साथियों के साथ घोड़ों पर घूमता रहता। उसके निशान पर होते थे तिजारत करने वाले व्यापारी, अमीर सेठ और वेश्याए। हर वो शख्स जिसके पास धन दौलत होती थी वो बन जाता था ठगों का शिकार। बहराम ठग के नेतृत्व में ही गिरोह के बाकी सदस्य लूटपाट और हत्याओं को अंजाम देते थे। ठगों के खिलाफ विलियम स्लिमेन ने पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम छेड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम स्लिमेन को ठग एंड डेकोसिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। इस ऑफिस का मुख्यालय स्लिमेन ने जबलपुर में बनाया। स्लिमेन जानते थे कि जबलपुर और ग्वालियर के आसपास ही ठग गिरोह सक्रिय है। ये दोनों ऐसी जगह थी जहाँ से देश के किसी भी कोने में जाने के लिए गुजरना पड़ता था। साथ ही साथ इस इलाके की सड़कें घने जंगल से होकर गुजरती थी। इसका फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे। एक तो इन सुनसान जंगलों में किसी को भी निशाना बनाना आसान होता था, साथ ही साथ अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद यहाँ छिपना भी आसान था। विलियम स्लिमेन ने जबलपुर में अपना मुख्यालय बनाने के बाद सबसे पहले दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक के हाईवे के किनारे जंगल का सफाया कर दिया। इसके बाद स्लिमेन ने गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया। कहते हैं कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की नींव तभी से रखी हुई है
गुप्तचरों की मदद से स्लिमेन ने पहले तो ठगों की भाषा को समझने की कोशिश की। ठग अपनी इस विशेष भाषा को रामोसी कहते थे। रामोसी एक सांकेतिक भाषा थी जिसे ठग अपने शिकार को खत्म करते वक्त इस्तेमाल करते थे। करीब 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद कैप्टन स्लिमेन ने आखिरकार बहराम ठग को गिरफ्तार कर ही लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद खुला उत्तर भारत में लगातार हो रहे हजारों लोगों के गायब होने का राज एक ऐसा राज जो सिर्फ उस बहराम गिरोह को मालूम था। गिरफ्तार होने के बाद बहराम ठग ने बताया कि उसके गिरोह के कुछ सदस्य व्यापारियों का भेष बनाकर जंगलों में घूमते रहते थे। व्यापारियों के भेष में इन ठगों का पीछा बाकी गिरोह करता रहता था। रात के अंधेरे में जो भी व्यापारियों का काफिला जंगल से गुजरता था, नकली भेष धारण करने वाले ठग उनके काफिले में शामिल हो जाते थे। ठगों का ये गिरोह धर्मशाला और बाबड़ी पुराने जमाने के कुएं इत्यादि के आसपास भी बेहद सक्रिय रहता था। काफिले के लोगों को जब गहरी नींद आने लगती तो दूर से गिदड़ के रोने की आवाज आने लगती। ये गिदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था कि अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी ही देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बहराम ठग वहां पहुंच जाता था। सारे ठग पहले सोते हुए लोगों का मुआयना करते। बहराम ठग अपने गुंडों को अपना सबसे पसंदीदा रुमाल लाने का आदेश देता। पीला रुमाल मिलते ही बहराम ठग अपनी जेब से एक सिक्का निकालता और रुमाल में एक सिक्का डालकर गांड बांधता। सिक्के से गांठ लगाने के बाद बहराम ठग एक एक करके सोते हुए काफिले के लोगों का गला घोट देता। काफिले में शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बहराम ठग साथियों के साथ मिलकर जश्न मनाता था। लेकिन जश्न से पहले उन्हें करना होता था एक और काम। ठग मरे हुए लोगों की लाशों की घुटने की हड्डी तोड़ देते। हड्डी तोड़ने के बाद लाशों को तोड़ मोड़ कर मौका वारदात पर ही एक गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता। दरअसल काफिले में शामिल व्यापारियों को मारने के बाद बहराम ठग और उसके गिरोह के सदस्य उनकी वही कब्र बना देते थे। अगर वही उनकी कब्र बनाना संभव ना हुआ तो उनकी लाशों को पास के ही किसी सूखे कुएं या फिर नदी में फेंक देते थे। यही वजह थी कि पुलिस को गुमशुदा लोगों की लाश कभी नहीं मिलती थी और ना ही इन ठगों का कोई सुराग मिल पाता था। जब तक बहराम ठग और उसके साथी काफिले के लोगों को ठिकाने नहीं लगा देते, तब तक उसके गिरोह के दो सदस्य दूर खड़े हुए पूरे इलाके पर नजर रखते। शिकार का काम तमाम होने तक वे दोनों हाथ में सफेद रुमाल लिए हिलाते रहते। सफेद रुमाल से वे दोनों ठगों को इशारा करते रहते कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदेशा होता, वे दोनों सफेद रुमाल हिलाना बंद कर देते। सफेद रुमाल नीचे होते ही ठग चौकन्ना हो जाते। रुमाल हिलने लगता तो अपने काम में एक बार फिर से मशगूल हो जाते। अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद ठग मौका वारदात पर ही जश्न मनाते थे। जश्न के तौर पर जिस जगह मारे गए लोगों की कब्र बनाई जाती थी, उसके पहले नाच गाना करते। कवाली का दौर चलता। गाना बजाने से जब थक जाते तो कब्र के ऊपर बैठकर ही वो गुड़ खाते थे। कहते हैं ठग जिस किसी भी नए सदस्य को अपने गिरोह में शामिल करते थे तो उसे कब्र पर बैठकर गुड़ जरूर खिलाया जाता था। एक बार कैप्टन स्लिमेन ने एक ठग से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि हजूर तपोनी यानी कब्र का गुड़ जिसने भी चखा उसके लिए दुनिया ही दूसरी हो गई। अगर आपने भी तपोनी का गुड़ खा लिया तो फौरन ठग बन जाओगे। बहराम ठग ने गिरफ्तार होने के बाद खुलासा किया कि उसके गिरोह ने पीले रुमाल से पूरे 931 लोगों को मौत के घाट उतारा है। उसने ये भी खुलासा किया कि अकेले उसने ही 150 लोगों के गले में रुमाल डालकर हत्या की है। बहराम की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बहराम सहित जितने भी इस गिरोह के कुख्यात सदस्य थे उन्हें जबलपुर के पेड़ों पर फांसी दे दी गई। जबलपुर में ये पेड़ अभी भी है। गिरोह के जितने भी नए सदस्य थे उनके लिए स्लिमेन ने जबलपुर में ही एक सुधार गृह खुलवा दिया। इस बंदी गृह के अवशेष अभी भी जबलपुर में मौजूद है। कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन जबलपुर में एक हाट लगता है। हाट में लगने वाली दुकानों के अधिकतर मालिक उन्हीं ठगों की औलाद है जिन्हें स्लिमेन मुख्य धारा में लाया था। कहते तो ये भी है कि स्लिमेन का एक परपोता इंग्लैंड में रहता है और उसने अपने ड्राइंग रूम में उस पीले रुमाल को सजो कर रखा है। वही पीला रुमाल जिसे बहराम ठग लोगों को मौत के घाट उतारता था और जिसके चलते उसे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।